हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ऋतु का नमस्कार सभी को। मुझे उम्मीद है मेरे यूट्यूब चैनल से आपको गार्डनिंग में काफ़ी हेल्प मिल रही होगी। आज गार्डन की शोभा बढ़ाने वाले एक और फूल के साथ मैं आपके साथ हूँ, जिसका नाम है जरबेरा, या हम उसे इंग्लिश में गर्बर डेजी भी बोलते हैं। ये एक अफ्रीकन नेटिव प्लांट है। एक बार यदि आपके पास प्लांट आ जाए तो प्रॉपर देखभाल करके आप एक पेड़ से कई पेड़ बना सकते हैं। आप देख रहे होंगे मेरे पास तरह तरह के हैं। ये लाइट पिंक है, वो रेड है, ये थोड़ा सा दूसरी वैरायटी है, ये भी जरबेरा है। ये सभी अलग अलग वैरायटीज़ के हैं, ये देख रहे होंगे आप। ये जो ये वाला जो आपको रेड दिख रहा है, ये काफ़ी बड़ा होता है और काफ़ी समय लगता है इसे खिलने में। और मेरी ख़ास चॉइस है जरबेरा। जरबेरा जिसे इंग्लिश में गर्बर डेजी भी कहा जाता है, साल भर फूल देता है यदि आप इसकी केयर प्रॉपर करेंगे और इसे शेड में रखेंगे। अभी आप देख रहे होंगे कुछ पत्तियाँ इसकी जल गई हैं, धूप तेज़ होने की वजह से ये जल गई हैं। इसे ऐसी जगह पे आप रखिए जहाँ पर आपको 2 घंटे से 3 घंटे धूप मिले और ज़्यादा तेज़ ना हो वो धूप भी, जिससे प्रॉपर जो है आपकी ब्लूमिंग होती रहे। सॉइल का हमेशा ध्यान रखिए कि सॉइल जो है किसी भी पॉटिंग मिक्स जो आप किसी भी पेड़ पे यूज़ करते हैं वो वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। उसमें पानी का ठहराव कहीं से कहीं तक नहीं होना चाहिए। समय समय पे आप इसे खाद डालिए और आप देख रहे हैं। और एक और मैं आपको जो दिखाना चाहती हूँ, ये देखिए सुंदर है। हमेशा ध्यान रखिए कि जरबेरा के पेड़ में नमी बनी रहे, वो कभी सूखे ना। पानी देते समय हमेशा याद रखिए कि पानी हमेशा किनारों से दें, ताकि उसकी मिट्टी जो है वो बहे ना। और हमेशा समय समय पे आप चेक करते रहिए कि इसमें कोई कीड़े वगैरह तो नहीं लग रहे हैं। जब कभी भी इसमें कीड़े लगे तो आप उसमें नीम ऑयल स्प्रे कर दीजिए। यदि ज़्यादा लग रहे हैं तो हफ्ते दर यूज़ कीजिए, यदि कम है तो 15 दिन में एक बार आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छे प्लांट्स हैं, एकदम लीव्स भी बहुत अच्छी हैं। ये आप देख रहे होंगे, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, अगले कुछ नए के साथ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।